बुलंदशहर की रहने वाली अवितेश चौधरी ने मॉडलिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल कर बुलंदशहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई प्रतियोगिता में मॉडल ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतकर देश भर में बुलंदशहर का नाम बुलंदियों पर पहुंचाने वाली अवितेश ने तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार कर इस मुकाम को पाया है। अवितेश गुरुग्राम के एक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हैं और पिछले साल अवितेश ने फैशन और ग्लैमर की दुनिया में मिसेज इंडिया यूनिवर्स में सेकेंड रनर अप तक पहुंच गईं। मलेशिया से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद अवितेश ने और ज्यादा मेहनत शुरू की और सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए मिसेज हरियाणा इंडिया यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। उसके बाद मॉडल ऑफ द ईयर 2019 का खिताब भी अपने नाम किया। अवितेश अपनी लगन और मेहनत से आज बुलंदियों पर खड़ी हैं और अब उनकी निगाहें अगले साल पेरिस में होने वाली मिसेज यूनिवर्स 2020 के खिताब पर टिकी हुई हैं। अवितेश की इस कामयाबी पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। अवितेश का कहना है कि योग और ध्यान के जरिए अपने फिटनेस को बरकरार रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ हैं मिसेज हरियाणा यूनिवर्स और मॉडल ऑफ द ईयर अवितेश चौधरी, जिन्होंने ये खिताब हासिल करके बुलंदशहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। आइए उनसे जानते हैं उनकी इस खास कामयाबी के बारे में। मैम, टी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूंगा कि अभी तक का आपका सफर इस क्षेत्र में कैसा रहा? अभी तक का मेरा सफर बहुत अच्छा रहा है। मैंने लास्ट ईयर ही इस क्षेत्र में शुरुआत की थी। लास्ट ईयर में मलेशिया गई थी मिसेज इंडिया इंटरनेशनल के लिए और वहाँ मैं सेकंड रनर अप रही। उसके बाद मुझे लगा कि सेकंड रनर अप क्यों, मुझे जीतना ही है। तो उसके बाद तैयारी करने के बाद मैंने फिर मिसेज इंडिया यूनिवर्स पे पार्टिसिपेट किया और अभी मैंने दो खिताब दिए हैं, मिसेज हरियाणा इंडिया यूनिवर्स एंड नाउ मॉडल ऑफ द ईयर। अभी मैं बहुत खुश हूँ। ये सब बनने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे प्रेरणा मेरे घर से मिली है। मेरी माँ जो पूरे टाइम मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए, वो चाहती है कि उनके बच्चे बहुत आगे निकले तो, और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ कर दिखाऊँ, उनका नाम रोशन करूँ। क्रेडिट किसको जाता है आपकी सफलता का? मेरे पेरेंट्स को, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरा सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाएगा। अभी ऑफर मिल रहे हैं कहीं से क्या? जी हाँ, अभी मुझे ऑफर है, बॉम्बे से सीरियल का ऑफर है, हरियाणा इंडस्ट्री से भी ऑफर है। अभी मैं उस समय विचार कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी में जाऊँगी। मैम, इस बीच एक बहुत बड़ा हादसे से आप गुजरी हैं, उसके बाद में ये सब कामयाबी हासिल करनी कैसे संभव हुआ सर? इसमें मेरी प्रेरणा मेरे मेंटर हैं आर्किटेक्ट विजय गर्ग, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है समझाने के लिए, मुझे हमेशा वो रहे हैं। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, वैसे मेरे सर ने मुझे हमेशा समझाया। और दूसरा है किरण बेदी, मैंने देखा है वो इतनी स्ट्रांग ब्रेव लेडी है, तो वाई नॉट मी, मुझे भी वैसे ही बनना चाहिए, तो मैं इन दोनों को बहुत मानती हूँ। अभी आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी फ्यूचर प्लान ये कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अपने फील्ड में पहले पीएचडी करना है एंड साइड बाय साइड मुझे ब्लॉगिंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें करने में। और मैं हाँ, ऑब्वियसली मैं मिसेज यूनिवर्स जीतना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अवितेश चौधरी, जो कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद अब मिसेज यूनिवर्स बनना चाहती हैं। अपने कैमरामैन के साथ सचिन शर्मा, टी न्यूज़ बुलंदशहर।